हाय, कैसे हैं आप सभी। हिंदी क्लब में फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का सॉल्यूशन देखेंगे जो BTET 2017 में पूछे गए थे। 6 to 8 का ये सीरीज टी है, आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये आपका पैसेज है, अनसीन पैसेज जो था इसको आप रोक के देख सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहें तो। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। जितने भी इसमें लगभग क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगभग इसमें कुछ क्वेश्चन आपका 6 to 8 से हैं जो बिहार में पढ़ाए जाते हैं। पहला इसका क्वेश्चन मैं देखता हूँ। बुक्स आर वर्ल्ड्स ऑफ वंडर बिकॉज दे गिव्स अस न्यू इन्फॉर्मेशन। ये होगा, आप देख भी सकते हैं ऊपर, न्यू आइडियाज एंड पीपुलराइज। बुक्स न्यू आइडियाज देते हैं, गिव्स अस न्यू इन्फॉर्मेशन। बुक्स आर कंपेयर टू अ मैजिक बॉक्स, इसका भी देख सकते हैं, यहाँ कंपेयर किया है। इच बुक्स इज अ मैजिक बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ देखिए, यहाँ दिया हुआ रीडिंग बुक इज अ बोरिंग, बुक्स टेल अस नथिंग न्यू, बुक्स डू नॉट टेल अस एनीथिंग अबाउट टाइम्स गॉन। ये तीनों में से कोई नहीं होगा। बुक्स हेल्प अस इमेजिन अबाउट द पीपल वी हैव नेवर मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाइन रूम वी सिट एंड मेल्ट्स अवे मीन्स दैट वी फॉरगेट दैट वी आर सिटिंग इन द रूम। ये भी आप उसमें जाके बैक होके देख सकते हैं। द वर्ल्ड द वर्ड्स Our choose friend refer to a character whom we like in a story. यानी इसका 95 का बी सही है, बी करेक्ट है आपका। इसमें से आपका इसमें एरर है या कोई एरर नहीं है उसको देखना है। इट इज नो यूज टू टॉक। यहाँ जो टू टॉक लगा है, यहाँ टू नहीं हो, यूज टू होता है लेकिन यहाँ टू नहीं लगेगा, जो स्टॉक होगा, इसलिए ये बी नंबर आपका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ही डिड नॉट एग्री, कुछ लोगों ने कहा यहाँ डिड सर नहीं होता है, बट इसमें ये सजेशंस जो एस लगा हुआ ये आपका गलत होगा। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर थॉट हिज स्टूडेंट्स होना चाहिए, यहाँ टू नहीं लगना चाहिए। यानी 96 में आपका बी, 97 में आपका बी, 98 में आपका बी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका क्लास 6 का है और क्लास 6 का बुक से है, इंग्लिश टेक्स्ट बुक डेवलप बाय SCRT। जो बुक बिहार में डेवलप होता है वो SCRT का होता है। द पोएम बंगाल सेलर्स ऑफ क्लास 6, तो इसका होगा सरोजनी नायडू। द लिशन द लैंड ऑफ राइजिंग सन किसको कहा जाता है, जापान को कहा जाता है। वैसे भी ये क्लास 6 7th का है, आप लोग देख भी सकते हैं बुक में। ये आपका मैं इसके बारे में बता दूँ, ये क्लास 7 का है, द लॉस्ट चाइल्ड लिशन का नाम है। ये पेज 76 है और रेडियंस 2nd है, तो ये क्लास 7 का है। इसको मैंने फिल भी कर दिया, आप इसको देख सकते हैं। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स फ्लाइंग फ्रॉम इट, द चाइल्ड वॉज कैरिड अवे बाई, यहाँ विथ भरा मैंने फिर बाई भरा, द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर कलर्स एंड वांटेड टू हैव देम ऑल, बट ही नेव हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विथ देम सो ही वॉक्ड ऑन फर्दर। यानी 101 में आपका विथ है, 102 में आपका बाई है, 103 में आपका ऑफ लगा हुआ है, 104 में आपका टू है, 105 में आपका ऑन लगा हुआ है। आप वीडियो रिवाइज करके भी देख सकते हैं उसको। 106 का आपका होगा मैन्यूस्क्रिप्ट। क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज। तो इसमें साउंड सिस्टम, वोकैबुलरी, स्ट्रक्चर होगा लेकिन मैन्यूस्क्रिप्ट नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट लैंग्वेज इज द लैंग्वेज विच द चाइल्ड। तो इसका ए बी दोनों होगा, बट अकॉर्डिंग टू
वन टीचर एक्वायर्स विदाउट मेकिंग एनी स्पेशल एफर्ट, वो बोल लेते नहीं होगा, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये भी दोनों होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज आर टीचिंग लेस एम्फेसिस ऑफ ऑन हैबिट फॉर्मेशन, इसका होगा स्ट्रक्चरल अप्रोच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ ऑडियो लिंगुअल ड्रिल्स, इसका आंसर होगा स्टूडेंट फोकस ऑन ग्रामेटिकल रूल्स, ये नहीं होता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, जैसे होता है मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, जैसे टीचर बोलते हैं देयर्स अ कॉप ऑन द टेबल, तो इसको रिपीट करता है बच्चा। देखिए सेकंड नंबर है, स्टूडेंट्स रिपीट इस लाइन ऑफ द डायलॉग्स, तो इस रिपीट करते हैं तो स्टूडेंट बोल सकते देयर्स अ कॉप ऑन द टेबल। बट इसमें एक चीज़ होता है कि वो जो भी चाइल्ड जो भी स्टूडेंट होते हैं वो ग्रामेटिकल रूल पे फोकस नहीं करते हैं, इसलिए ये आपका सही होगा सी नंबर 109 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, 110 का, विच अप्रोच बेसिकली प्रमोट्स फ्लुएंसी, तो ये होगा कम्युनिकेटिव अप्रोच। देयर आर ऑलटुगेदर वॉवेल साउंड, यहाँ वॉवेल साउंड है जिसके कारण ये 20 होगा इन इंग्लिश, 20 होते वॉवेल, वैसे 5 होते हैं बट वॉवेल साउंड 20 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट यूज फॉर एक्सप्रेसिंग लाइक्स, यहाँ देखिए ये लाइक्स को कौन एक्सप्रेस करता है, दैट्स अ गुड आइडिया, तो ये तो आपका सही है, दैट्स फाइन विथ मी, ये भी आपका सही है, आई प्रेफर बट आई एम लेस्ट बॉर्डर, ये आपका गलत है कि इसको बी 112 का बी सही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज, तो ये रीडिंग एंड देन नरेटिंग द सम टू अदर्स, ये आपका सही है। यहाँ देखिए यहाँ क्या प्रॉब्लम है, मैं यहाँ बता देता हूँ, आई वुड लाइक टू हैव, तो यहाँ बहुत लोगों ने सी मारा है, बट इसमें देखिए सी में स्पेलिंग में ये गलत है, ए आई एल ओ एफ ऑफ एल ओ एफ होता है बट आई लगा है, इसके कारण ये होगा आई वुड लाइक टू हैव अ पैक ऑफ ब्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिपेयरिंग लर्निंग प्लान फॉर टीचिंग इंग्लिश द फोकस शुड बी लर्नर्स बैकग्राउंड, द लर्नर्स बैकग्राउंड ये पेरेंट्स बैकग्राउंड नहीं होगा, टीचर्स बैकग्राउंड नहीं होगा, तो यहाँ लर्नर्स बैकग्राउंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर लर्निंग ऑब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एट द अपर प्राइमरी लेवल, इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द बे ऑल अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ प्रोफिशिएंसी, इसका होगा फ्लुएंस हो जाएगा, एफिशिएंसी होगा, एक्यूरेसी भी होता है बट ये नहीं होता है आपका, यानी इसका डी 117 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कॉग्निटिव हो गया आपका संज्ञानात्मक, प्रस्पेक्टिव ऑन लैंग्वेज लर्निंग डज नॉट इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू द यूज ऑफ, तो यहाँ रीजनिंग भी होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, प्रिसेप्शन होता है, इमिटेशन होता है, बट ये बी नंबर आपका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वर्ड नो एंड नो नहीं और जानना इन पेयर फॉर्म द एग्जाम्पल ऑफ होमोफोन्स, सिनोनिम जानते ही, एंटोनिम सब जानते, सिनोनिम सिमिलर हो गया आपका, एंटोनिम उल्टा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें मैंने स्टार लगाया है, मे बी ये दोनों में से कोई हो सकता है, बट यहाँ ट्रांसक्रिप्शन मैंने मारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ राइटिंग, ये ट्रांसक्रिप्शन मारा क्योंकि यहाँ प्रतिलिपि बनती है, लेकिन मे बी ये आपका डी बी हो सकता है। तो ये थे आपका इंग्लिश का आपका आंसर्स, कुछ लोग मैं उनसे माफ़ी मांगता हूँ अगर इसमें कुछ गलतियाँ हो, तो अगर कुछ भी गलती होती है आप कमेंट बॉक्स आपके लिए हाजिर, आप कमेंट करें, आपका कमेंट का मैं इंतज़ार भी करूँगा, स्वागत है आपके कमेंट का। और साथ में 1 to 5 के लिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, इसके लिए सॉरी, मैं थोड़ी देर में मैथिली का वीडियो अपलोड करूँगा, अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो सॉरी, मे बी कुछ चेंजिंग हो सकता है, और मैं आशा करता हूँ आप क्वालिफाई हुए होंगे और आप अच्छा करेंगे लाइफ में। ये हिंदी क्लब से हमेशा दुआ रहेगी ऊपर वाले से कि आप हमेशा अच्छा करें विथ हिंदी क्लब। बाय बाय।